कंगना रनौत, ये नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, होने भी चाहिए क्योंकि यही वो नाम है जिसने मुंबई ही नहीं पूरे देश में हलचल मचा रखी है। मामला क्या है अब तक तो आपको मालूम ही लग गया होगा, मगर थोड़ा आपको रिकैप करा देते हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक वल्दिया, आप देख रहे हैं नेशन वन। बीते कुछ महीने बॉलीवुड के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे बड़ी चोट बॉलीवुड को पहुंची थी वो थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत। शुरुआती दिनों में आत्महत्या लगने वाली इस मौत को धीरे धीरे राज खुलते चले गए। सबसे पहले नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद मौत का जिम्मेदार बताया गया। उसके बाद कहानी प्रॉपर्टी और पैसे के लालच से की गई हत्या में तब्दील हुई और सक्की सुई घूमी सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस घूम के मामला सेंट्रल एजेंसियों के पास पहुंचा तो खेल कुछ और ही निकला। पैसे प्रॉपर्टी से लेकर इस मामले ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त तक की बात ने सुर्खियां बटोरी। और अब जब आपको लगने लगा था कि मामला अब तो निपट ही जाएगा, रिया कैसे न कैसे जेल चली ही जाएगी हत्या नहीं तो ड्रग्स के मामले में, तभी देखते ही देखते एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि इस विवाद में अभिनेता से लेकर नेता तक चपेट में आ गए। कंगना रनौत ने देखते ही देखते शिवसेना और देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक ऐसे मामले में घसीट दिया कि अब महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर खड़ी नज़र आ रही है। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत में खुलकर बोलने वाली कंगना धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर धावा बोलना शुरू कर दिया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि SSR प्रकरण से जुड़े कई अभिनेता, कई राजनेताओं को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। चूँकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, इसी मामले से जुड़े शिवसेना के फायर ब्रांड कद्दावर नेता संजय राउत, जिनकी कंगना पर एक विवादास्पद टिप्पणी ने ऐसी तूल पकड़ी तो कंगना ने ये तक कह डाला कि उन्हें मुंबई POK जैसा लगता है और अपनी जान की सुरक्षा के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगा डाली, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा तक दे डाली। मामला हाई प्रोफाइल होता चला गया जिसमें रक्षा मंत्रालय ने खुद हस्तक्षेप करनी पड़ी। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में पहले से ही तनातनी मौजूद है। कंगना को इस पूरे मामले में आग में घी का काम कर दिया। इसको देखते हुए कंगना रनौत अपनी वायु श्रेणी सुरक्षा के साथ मुंबई रवाना हो गई, मगर बात यहाँ पर नहीं रुकी। रंजिश का ये माहौल तब हाई प्रोफाइल ड्रामा बन गया जब BMC की तरफ से अचानक कंगना रनौत का 40 करोड़ की लागत से बना ऑफिस बुलडोजर से ढहा दिया गया और हवाला दिया गया ये निर्माण अवैध है। वाद विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब एक क्रांति की तरह फैल चुका है। पूरा देश दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक कंगना का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे जो कंगना से जुड़े इस विवाद को एक सेलिब्रिटी स्टंट मान रहे हैं। आपको बता दें, कंगना के समर्थन में आए लोगों ने देश में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले, समर्थन में नारे लगाए। ये उन्हें एक वॉरियर की तरह देख रहे हैं। रियल लाइफ की इस रानी को रियल लाइफ की रानी लक्ष्मीबाई की तरह देखा जा रहा है। पूरा देश दिलचस्पी दिखा रहा है। इसी कड़ी में ऋचा वशिष्ठ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कंगना के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने अन्य समाज सेवकों के साथ मिलकर काले झंडे और पोस्टर दिखाकर एक स्वर में शिवसेना की शर्मसार हरकतों पर विरोध व्यक्त किया। उनका कहना है कि जिस तरह से शिवसेना के खिलाफ बोलने पर पूरी शिवसेना एक अकेली महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, उसे तो ये लग रहा है कि शिवसेना एक आत्मनिर्भर महिला से डर के मारे कहाँ छुप गई है। इसके अलावा कंगना के गृह राज्य हिमाचल में भी समर्थकों ने शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब आगे देखना यह है कि रनौत वर्सेस राउत की शुरू हुई ये लड़ाई किस हद तक जाती है। फिर कुछ दिनों की हलचल या फिर कुछ दिनों की हलचल के साथ हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। शुक्रिया। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।